हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजूरी न मिलने के कारण टीएचडी के सैकड़ों पद खाली। दोस्तों, अभी हाल ही में प्रदेश के स्कूलों में टीएचडी से लेक्चर प्रमोट होने के कारण 845 पद खाली हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कमीशन और बैचवाइज आधार पर 1587 पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। लंबे समय से प्रदेश के स्कूलों में कमीशन आधार पर टीएचडी की भर्तियाँ भी नहीं हो रही हैं। कारण ये कि प्रदेश सरकार से शिक्षा विभाग को इन पदों को भरने की मंजूरी ही नहीं मिल रही है। इस कारण विभाग भी अपने स्तर पर भर्तियां नहीं कर पा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से इस बारे में प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसमें टीएचडी की भर्तियां करने के लिए अनुमति मांगी गई है। ये भर्तियाँ कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जानी हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरी अपडेट की। तो SOS में 8वीं की परीक्षा देने के लिए 5वीं पास होना जरूरी। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा बोर्ड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठक में 9वीं और 11वीं में टर्म प्रणाली को ख़त्म करने का भी निर्णय लिया गया। तो दोस्तों, इन निर्णय के अनुसार अगर किसी विद्यार्थी के पास 5वीं का सर्टिफिकेट नहीं है तो वह SOS का 8वीं का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। नेक्स्ट अपडेट में विधानसभा चुनाव से पहले तैनात होंगी 780 आशा वर्कर्स और इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जिला शिमला के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा 185 जबकि सोलन में 102 आशा वर्करों की तैनाती की जानी है। इसके साथ ही बाकी जिला के जो आशा वर्कर के पद भरे जाएंगे उसकी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 8वीं तथा शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। और अगर आयु की बात करें तो 25 से 45 साल आयु वर्ग की महिलाएं आशा वर्कर बनने के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी शहरी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पास आवेदन किए जा सकते हैं। इन वर्कर्स की तैनाती हिमाचल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जाएगी। दोस्तों, इस सेशन में फिलहाल इतना ही। जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।